दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। उसमें मैंने आप लोगों को आप ऑनलाइन पैन कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हो अपने मोबाइल में। बहुत सारे लोग तो पैन कार्ड उस वीडियो को देखकर बना लिए हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट में मुझे देखने को मिल रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों का एरर आ जा रहा है, यानी कि उसका पैसा कट जा रहा है और पैन कार्ड नहीं बन पा रहा है। किसी किसी के मोबाइल में यानी कि आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं रहता है, तो जब वो KYC करते हैं वहाँ पे जाते हैं और उसका पैसा कट जा रहा है, उसके आगे का प्रोसेस जो होता है वो नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों, इसका सलूशन क्या है, आपका पैसा अगर कट गया है उसे आप वापस कैसे कर सकते हैं, ये सारा जानकारी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं पूरी बात किया हूँ कस्टमर केयर से, NSDL का जो हेड ऑफिस होता है, मैंने उन लोगों से बात किया, मैंने पूरा पूछा और वो रिकॉर्डिंग भी मैं इस वीडियो में आप लोगों को सुनाऊंगा। अगर आप पैन कार्ड का बिजनेस करते हैं या करना चाहते हैं यार, या तो आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, ये वीडियो आपका कहीं ना कहीं ज़रूर काम आएगा। क्योंकि अगर आप पैन कार्ड किसी का दूसरे का भी बना देते हैं और पैसा आपका कट जाता है, तो ऐसे स्थिति में आप पैसा को वापस मंगा सकते हो, ये पैसा वापस हो जाता है। बस आपको कुछ स्टेप फॉलो करना पड़ता है जो इस वीडियो में आप लोगों को जानने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कैलाश, आप देख रहे हैं नेट मास्टर। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपको पूरा जानकारी डिटेल में समझाता हूँ जी। देखिए, मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैंने वीडियो डाला था कि पैन कार्ड आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो यूट्यूब पर जी। तो उस पे मेरे को 1.5-2 लाख व्यूज आ गए हैं ना, बहुत सारे लोग उस वीडियो को देखकर अप्लाई कर रहे हैं जी। तो उन लोगों का प्रॉब्लम है कि पैसा कटता है और मतलब कि सक्सेसफुल नहीं हो पाता, जबकि उन लोगों का आधार में मोबाइल नंबर लिंक भी है। तो मैंने पूछा भी कि अगर आपका आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं रहेगा तो KYC कम्प्लीट नहीं होगा। तो बोलते हैं मेरा सब कुछ सही है, पैसा कटता है और एरर आ जाता है और दोबारा नहीं होता है, तो उसका सोल्यूशन क्या होगा सर? अगर पैसा कट रहा है तो आप वेबसाइट कौन सी बता रहे हैं उनको, वो कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं वो? NSDL से। सर आप एक बार वेबसाइट बताएंगे, आप मतलब उन्हें कौन सी वेबसाइट बता रहे हो, उसका URL आपको पास होगा ना? जी मैं आपको बता रहा हूँ जी, URL बताइए सर जी। 49 से का जो फॉर्म होता है ना, 3 NSDL का, वही से। सर www.tin-nsdl.com यही वेबसाइट बता रहे हैं आप उनको? हाँ हाँ, देखिए मैं आपको पूरा URL नहीं बता देता हूँ जी, बताइए। www.onlineservice.nsdl.com जी सर। तो इसके ऊपर उनका कितना पैसा कटता है? 107 रुपये कटता है। ये ऑनलाइन सर्विस है, यानी कि इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है, जो पोर्टल आईडी ले भी नहीं रखा वो भी कर सकते हैं। सर हमारी वेबसाइट का URL जो है मैं आपको बता देती हूँ, आप उनसे कहिए कि आप इस URL से अप्लाई कीजिए, क्योंकि हमारी वेबसाइट NSDL की ऑफिशियल वेबसाइट का URL ये है सर, www.tin-nsdl.com। ये हमारी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वही से। तो आप जब भी अप्लाई पे क्लिक करेंगे ना, तो ट्रांसफर ये URL हो जाता है, जब अप्लाई फॉर्म कीजिएगा तो ये URL ओपन हो जाता है जी सर। तो इससे जो आप उनसे उनका टोकन आईडी वगैरह कुछ जानकारी ले लीजिए सर, क्योंकि टोकन आईडी के बिना तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगी कि उनका प्रॉब्लम क्या हो रहा है। नहीं, ये प्रॉब्लम एक कर रही है बहुत का है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि उस सिचुएशन में करेंगे क्या लोग। सर उनको जो है आप हमारी कस्टमर केयर का नंबर दे दीजिए, वो हमें कॉल करके पूछ सकते हैं सर कि उनके एप्लीकेशन में जो है वो प्रॉब्लम क्या है जी। ये तो बिल्कुल सही है, परंतु पैसा वापस हो सकता है क्या, जो पैसा कटता है पैन नहीं सक्सेसफुल हो पाता है तो? सर अगर उनका मतलब कभी कभी क्या हो जाता है कि अगर आप ईसाइन या फिर EKYC से अप्लाई करते हैं, तो बहुत सारे लोगों का जो आधार कार्ड के साथ नंबर लिंक होता है वो चालू नहीं होता है, तो उनके पास OTP जाता नहीं है, तो वो OTP जो है उसकी वजह से उनका एप्लीकेशन होल्ड पर चला जाता है। उसका तो कुछ तो सोल्यूशन होगा जी सर? उसका एक सोल्यूशन है कि आपको जो है वो एप्लीकेशन रिजेक्ट करवाना होगा, और रिजेक्ट करवाने के लिए जो है आपको वहाँ पर 3 गलत OTPs डालने होंगे। 3 गलत OTPs डालने के बाद जो है आपका वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। रिजेक्ट हो जाने के बाद आपको 7 वर्किंग डेज के अंदर जो है वो पैसे आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाता है सर जी। मैडम जी,
तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उनको हमारी कस्टमर केयर का जो है वो नंबर शेयर कीजिए उनके साथ, जी बिल्कुल और मैडम, उन्हें बोलिए कि हमें कॉल करें, क्योंकि डिटेल्स के सिवा मैं आपको जानकारी नहीं दे पाऊंगी सर कि आपका एप्लीकेशन जो है वो क्यों होल्ड पर है। जी, अगला बार हम टोकन नंबर लेकर ही आपको कांटेक्ट करेंगे जी। जी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। जी, लेकिन पैसा वापस हो सकता है ना, अगर सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा तो फोन जी सर, बोल रहे हैं अगर किसी कारण सक्सेसफुल एरर आ जाएगा यानी कि, तो पैसा वापस हो सकता है ना। जी उनको पैसा वापस मिल जाएगा सर 7 वर्किंग डेज के अंदर, अगर ये ऑनलाइन ही प्रॉब्लम हो रहा है तो ही, एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट होने से पहले। जी हाँ, एक एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो जाएगा तो पेन तो मिल ही जाएगा। मैंने तो बहुत सारा पेन भी दूसरों को बना रखा है, एक दिन के अंदर से अच्छा खासा सर्विस लग रहा है NSDL मुझे, एक दिन के अंदर ही ईमेल में प्रोवाइड कर रहा है PDF में, लेकिन बहुत सारा का एरर भी आ जा रहा है। जी सर, जी, जी तो आप नेक्स्ट टाइम जो है टोकन आईडी लेकर कॉल कीजिए, और एक्नॉलेजमेंट नंबर होने से जनरेट होने से पहले अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आपको पैसे रिफंड मिल जाएंगे सर। जी मैडम, जी, थैंक्स दी। इसके अलावा मैं आपको और कोई जानकारी दे सकती हूँ? नहीं मैम, बस यही जानकारी था, बहुत लोगों का एरर आ रहा है इसलिए सोचा चलिए आपके पास जरूर सोल्यूशन होगा।